या अली मदद। अलवाइज अबू अली वाइज नंबर 131 24th of April 1991 wise in North Jamat Khan of Edmonton Yali Madad Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ala Muhammad al-Mustafa ila qiyamah Haji Bir Hasan Kabir Din Sevaka Emanvin Hum Tere Sharan का जो पाठ पढ़ते हैं इसमें जमात एक शब्द की मिस्टेक करती है। ही युग कूर कपट छल भरिया, जल भरिया नहीं, जल पानी को कहते हैं और छल कहते हैं फरेब को, डिसीट को, दगा फरेब करे। ही युग कूर कपट छल भरिया, कूर कपट और छल ये इंसान की बदियां हैं जो एक दूसरे को वो चीट करती हैं। यहां छल कपट ये गुजराती जबान की एक इडियम है। यूपी रसम कबीर दिन ने नौ पाठ की ये जो विनती फरमाई इसके अंदर खुदा के पास उसने उसकी रहमत के लिए मांगनी की है और ये पाठ आखिरी इसके अंदर ये फरमाते हैं कि यह मौला ये जो आज का कलयुग है, इस वक्त का जो जमाना है वो इतना खराब जमाना है। कूड कहते हैं झूठ, इंग्लिश में कहते हैं लाई, विच इज नॉट ट्रू। कपट कहते हैं कि इंसान बोले कुछ लेकिन दिल में कुछ होए, इसको कीना भी कहते हैं और इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं विंडिक्टिवनेस। इसी तरह से जो छल है, छल कहते हैं फरेब देना, किसी को धोखा देना, रिसीव करना। तो ये तीनों क्वालिटीज आज के इस दुनिया कलयुग के अंदर बहुत है। कलयुग 7000 लगभग 7000 बरस हुए कि ये बैठा है और 4,25,000 बरस कलयुग के बाकी हैं। कलयुग टोटल 4,32,000 बरस का है। ये जो 4,25,000 बरस बाकी हैं, जिसमें 7,000 मैंने आपको कहा कि लगभग निकल गए हैं, बाकी के जो 4,25,000 हैं जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये दुनिया एंड पे आ जाएगी। ये जो बॉल है जिसको हम अर्थ कहते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए पीरों ने इसको आखिरी जमाना कहा है और रसूलुल्लाह की हदीस में भी ये आखिरी जमाना है। नबी साहब के जो अलकाब हैं, जो भी टाइटल्स हैं, उनके अंदर एक टाइटल ये है कि नबी आखिरुल जमान, कि आखिरी जमाने का नबी। खुदा ताला के नजदीक जो पीरियड है हम उसको समझ नहीं सकते, लेकिन कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे 50,000 बरस का मेरे लिए एक दिन होता है। आठ लाख बरस खुदा के लिए एक दिन के बराबर है। तो ये जो 4,25,000 बरस जो बाकी हैं, इनमें से अभी
सतयुग आने के लिए यानी इसके अंदर ऐसा एक समय आएगा। पीरों ने कहा कि उस वक्त मौला सारी दुनिया के अंदर बिल्कुल पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है ना वो फैला देगा, क्राइम मिट जाएगा, गुना मिट जाएंगे और लोग बड़ी सुख शांति से जीवन गुजारेंगे, लिखी सर राज करेंगे, कोई कोई को सताएगा नहीं। पीर ने यहां तक फरमाया है कि गाय और बकरी जो है वो शेर के साथ खाना खाएंगी और शेर उनको नहीं मारेगा। इस तरह से जो छोटे छोटे पंछी हैं जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पैरो या स्विफ्ट वगैरह, छोटी चिड़िया होती है चकली, उसको बाज नहीं खाएगा। मतलब कि दुनिया के अंदर एकदम शांत वक्त आ जाएगा, जिसको पीरों ने सतयुग भी कहा है, रतन युग भी कहा है। 125,000 बरस तक ये जमाना चलेगा, 125,000 ईयर्स। फिर पीर फरमाते हैं 1.25 लाख वर्ष ऋखियों राज करे, पची महादिन मंडाए, उसके बाद फिर बाकी के जो 3 लाख बरस रह जाएंगे वो 3 लाख बरस की 50,000 बरस का एक स्टेज होगी, तो विद इन 6 स्टेजेस ये दुनिया जो है वो पेरिश हो जाएगी। इस दुनिया के ऊपर 1.25 लाख बरस के बाद कोई रह नहीं सकेगा, लेकिन वो जो 1.25 लाख बरस आने वाला है उसको 100-125 साल बाकी है। ये कलयुग का आखिरी टाइम है। हम आज जिस टाइम में से पसार हो रहे हैं ये कलयुग का आखिरी टाइम है, कलयुग खत्म होने वाला है। लगभग 125 बरस बाकी हैं, मगर ये 125 बरस इतने दुख में जाएंगे, ये 125 बरस इतनी तकलीफ देगा कि बात छोड़ दो। मेरे को, मैं भी बोल रहा हूं तो मुझको मौला का एक फरमान याद आया। हजर इमाम ने 62-64 की साल में एक फरमान किया है, मौला फरमाया, ये फरमान ने लड़कों के लिए किया है, मौला फरमाया कि तुम्हारे माता पिता को, स्टूडेंट्स को सब कहते हैं, तुम्हारे माता पिता को उनके जमाने में, जवानी के जमाने में जो दुख तकलीफें पड़ी थी उससे बहुत ज्यादा दुख तकलीफें तुमको पड़ेंगी। देर विल बी वेरी डिफिकल्ट टाइम कमिंग अहेड। और फिर सा फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर दुख के सिवा कुछ नहीं होएगा, थोड़ा थोड़ा ब्राइट पीरियड भी आएगा लेकिन दुख बहुत आएंगे। आज वो लोग के जो 60-65 बरस के ऊपर के हैं उन लोगों को इतनी फिक्र नहीं है, मगर जो 60 बरस के नीचे हैं और खासतौर पे जो 25 बरस के नीचे हैं, लोअर देन 25 ईयर्स ऑफ एज, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने मजहब को समझ के, पीरों की दौरवानी को समझ के, हजर इमाम के फरमानों के अंदर बिटवीन लाइंस बात ऐसे ऐसे भेद बोल गया है मौला कि लोग साहब के फरमान सुनते हैं जैसे कि नहीं सुना ऐसा सुनते हैं, हम ध्यान से नहीं सुनते। हजर इमाम ने ऐसे बहुत से इशारे किए हैं कि जो हमको पीरों ने 500-700 बरस पहले कहे। मैंने ये पाठ जानबूझ के इसलिए बोला, पहली तो बात मैं आपको कहूं कि मैं कभी अपने दिल में तय नहीं करता, जमात खाने आने से पहले मुझे कुछ पता नहीं होता कि मैं क्या टॉपिक लूंगा। इधर से मैं उठता हूं, यहां तक आते आते जो मेरे को ख्याल प्रेरणा में आ जाए उसके ऊपर मैं वाज करता हूं। और मैंने कभी प्रेपरेशंस भी नहीं की है कि पढ़ के मैं इधर आऊं। ये इमाम की एक कृपा है कि जमातों को मैसेज देने के लिए वो मुझे यूज करता है और मैं उसका बंदा गुलाम, मैं शुक्रगुजारी के साथ आपकी खिदमत करता हूं। मोमिनों, हजर इमाम ने हमें कनाडा में आके बहुत से फरमान किए, खासतौर पर जो कनाडा की 78 की मुसाफरी थी वो फरमान आप पढ़ा करो। इन फरमानों में मौलाना हजर इमाम ने हमें दुनिया और दीन दोनों की दौरवानी दी है। फिर हसन कबीर दीन को याद करके याचना उनकी, अर्ज फिर हसन कबीर दीन की जो विनती है, प्रेयर है,
तो वो ये है कि या मौला हम तेरे शरण है मुरारी। मुरारी कहते हैं हिफाजत करने वाला, मदद करने वाला, मैं तेरे शरण में आया हूं, अंडर योर प्रोटेक्शन या मौला आई हैव कम। ही युग कुल कपट भर गया। ये जो आज का जो युग है, हालांकि पीर हसन कबीर दीन को 550 वर्ष हो गए, अगर पीर हसन कबीर दीन के जमाने के अंदर ऐसा था तो आज क्या हालत होगी। गुरु पीर हसन कबीर दीन जानते थे 500 वर्ष के बाद क्या होगा और 1000 वर्ष के बाद क्या होगा। ये कूड़ कपट और छल से भरा हुआ कल युग या मौला, इसके अंदर सत्य के साथ, सत्य कहते हैं ईमान को, ईमान के साथ हमें हमारी जिंदगी पूरी करने देना, सत्य से थी पार उतारी है। एक आदमी जब भी गुजर जाता है तो सारी उसकी जो लाइफ है उसके सामने, आंखों के सामने आती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब तुम्हारी मौत आएगी तो तुम्हारे सामने तुमने जो कुछ भी किया हुआ है वो सामने खड़ा हो जाएगा एक फिल्म की तरह। मैंने ये बुरा किया, मैंने ये बुरा किया, आदमी को सब याद आएगा। सिर्फ याद ही नहीं आएगा मगर उसके विजन में उसके सामने उसको खड़ा किया जाएगा। वो देखेगा कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गुनाह किया। और आपको पता है कि बाज आदमी कोमा में चले जाते हैं, बाज आदमी 2-3 महीने तक पीड़ाते हैं, बाज आदमी 3-4 दिन तकलीफ उठाते हैं और गुजर जाते हैं। बाज आदमी ऐसे भी जिसे मैंने कहा कोमा में चले जाते हैं, 2-2, 4-4 महीने जबान बंद है, आंखें बंद है, कान बंद है। अब उनका अंदर क्या हाल हो रहा है वो कोई नहीं जानता। अगर कोई आदमी हार्ट फेल से मर गया तो कई लोग समझते हैं कि भाई बड़ी अच्छी मौत हो गई, लेकिन मालूम नहीं कि इसके बाद अंदर क्या हो रहा है। हर एक इंसान का हिसाब होने वाला है, खुदा किसी को भी छोड़ेगा नहीं। हर एक को, चाहे वो पीर पैगंबर भी हो गए तो भी उसको हिसाब तो देना पड़ेगा। और पीर पैगंबर तो नूर होते हैं, उनको इस हिसाब में से पास होना पड़ेगा, डिटेन होने की जरूरत नहीं, लेकिन हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर हम यही बात अपने दिल में अच्छी तरह से समझ लें कि मुझे मौत के बाद, यानी मौत के वक्त, मौत के पहले, तीनों वक्त ये हिसाब किताब के वक्त है। कई आदमियों को मौत से पहले खुदा बहुत दुख देता है। अभी थोड़ा टाइम हुआ, महीना नहीं हुआ, मुझे दारुसलाम से एक न्यूज मिली कि फलाना आदमी गुजर गया। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मेरा दोस्त था, बगैर इरादे के मेरे मुंह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, बजाय इसके कि मुझे अफसोस करना चाहिए या मैं ये कहता कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन मेरे मुंह से मेरे इरादे के बगैर, इच्छा के बगैर निकल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों निकला? कि वो आदमी 3 बरस से ऐसे दुख में था, ऐसे दुख में था कि 10 दफा मैं कहता था या मौला अब उसको तू छोड़ दे। किसी के लिए मौत की दुआ नहीं मांगी जा सकती, हम ऐसा नहीं कह सकते या मौला तू उसको मार डाल, लेकिन कहा जाता कि या मौला अब उसको तू छोड़ दे, यानी उस बख्श दे उसको। और आखिर वो गुजर गया। उस आदमी ने क्या किया होगा वो सिर्फ खुदा जानता है, मगर हमारे जो आमाल होते हैं, हमारे जो काम होते हैं, और छुपे हुए काम होंगे कि जाहिर काम होंगे, हम हाथ पांव से जाहिर में अमल करें या खाली हम अपनी नीयत खराब करें, वो अमल में आता है। एक आदमी ने इरादा किया कि मैं चोरी करूं, और चोरी करने के इरादे से गया, लेकिन चोरी कर नहीं सका क्योंकि कोई चौकीदार पुलिस वाला था। खुदा के दरबार में भले उसने चोरी नहीं की, मगर उसने चोरी का इरादा किया, वो गुनाह लिखा गया, उसका गुनाह लिखा गया। क्योंकि हमारे जितने आमाल हैं वो हमारे इरादे, हमारी नियत के ऊपर है। नबी करीम फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियत, तुम्हारी जो नियत है वही तुम्हारा अमल है। बुरी नियत ही खराब चीज है। फिर अमल अगर अच्छा भी किया जाहिर में लोगों को दिखाने के लिए, मन में कपट था, खुदा तो जानता है, खुदा को मालूम है। हमारी नियत साफ होनी चाहिए, अंतकरण पाक होना चाहिए। ये कल जो बहुत खराब है दीनदारों, हम इस्माइली मजहब के अंदर जो इस्माइली हैं, हम रूहानी आदमी हैं। आप कहीं भी जाओ अपने आप को इस्माइली समझते रहो,
इस्माइली का मतलब कि जो रूहानी जिंदगी गुजारे, जो स्पिरिचुअल लाइफ गुजारे। हम दुनिया के तमाम लोगों से मिलेंगे, लेकिन हम करेंगे वो जो अपना मजहब कहता है। इबादत करेंगे, सारा दिन मौला को याद करेंगे, सुबह की इबादत करेंगे, रात को इबादत करेंगे, नेक अमाल करेंगे, अच्छे काम करेंगे। यह हम इस्माइलियों का काम है। इस्माइली बदियों बुराइयों में फंसे तो वह इस्माइली नहीं है। जो इस्माइली अपने मजहब को भूल जाए और दूसरों को पीछे लग जाए तो वह इस्माइली नहीं रहा। इस्माइली का मतलब यह है कि हम बातूनी मजहब को पालने वाले हैं। हम दुनिया में चल रहे हैं, हाथ से कामकाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में हमारे मौला का जिक्र चालू है। किसी न किसी नाम से मौला को याद करते रहो। कभी कभी बैतुल ख्याल का बोल भी हमको याद आ जाता है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। बैठ के बैठक नहीं करना दिन के वक्त। बैठक का जो वक्त है वो सिर्फ 4 और 5 बजे के अंदर ही है और नहीं। अगर कोई आदमी ऐसा समझे कि मैं कोई भी वक्त इबादत कर सकता हूं, सुबह भले न भी करूं, तो वो गलत है। सुबह की इबादत तो 4-5 बजे की इबादत है ही, लेकिन बाकी सारा दिन किसी न किसी तरीके से कोई न कोई नाम से मौला को याद करते रहो। और मौला कहां दूर है? हमारे दिल में बैठा हुआ है। अगर हम हर वक्त मौला के ख्याल में रहें तो हमसे गुनाह नहीं होंगे। हर वक्त मौला को याद करते रहें तो आफतें बलाएं हमारे पास नहीं आएंगी। कोई तकलीफें आएंगी तो नजदीक आके भाग जाएंगी, क्योंकि मौला अंदर बैठा है। इसलिए हर वक्त मौला के ख्याल में अपने आप को बसाते रहो। ही जुग कूड़ कपट छड़ भरिया सत से थी पार उतारो। आप एडमंटन में रहते हो, आप में बहुत से ऐसे हैं कि जो रोज न्यूज देखते या सुनते हैं या पेपर में पढ़ते हैं। बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं कि जो डेली न्यूज फॉलो करते हैं ताकि आपको पता लगे। बाकी आम तौर पर हमारे जो जमात है, हमारी जमात के अंदर इलम का शौक नहीं है। चारों तरफ नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में, मैंने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को अलग इसलिए किया कि आज सारी दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, 150 से ज्यादा कंट्रीज हैं आज, इन तमाम मुल्कों में यूरोप के जो मुल्क हैं और ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और स्टेट्स, ये ऐसा ग्रुप है कि जिसके अंदर गुनाह बहुत है। अमेरिका यूरोप में गुनाह बहुत है, हालांकि इनके अंदर अच्छी चीजें भी हैं। इन मुल्कों की सखावत भी बहुत है। अभी देखो इराक की लड़ाई हुई, उसके अंदर ये जो कुर्दिस्तान के जो लोग हैं, ये लगभग 50-52 लाख हैं, ओवर 5 मिलियन। इनमें से आज 20 लाख आदमी, 2 मिलियन, बेघर हैं। खाना नहीं, कपड़ा नहीं, सोने की जगह नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। उनकी हालतें देख देख के मैं पीरों के गिनानों को याद करता रहता हूं। ये इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कंट्रीज का उनके ऊपर पड़ा है। मैंने लड़ाई की भी, इन्होंने बहुत से लोग मार डाले, लेकिन आज इन्हीं लोगों को, 20 लाख आदमियों को, ये वेस्टर्न कंट्रीज खाना देते हैं, ब्लैंकेट देते हैं, कपड़े देते हैं, दवाइयां देते हैं, डॉक्टर भेजे हैं, नर्सें गई हैं, अब उनके लिए कैंप्स बना रहे हैं। यूरोप अमेरिकन, ये वेस्टर्न कंट्रीज में एक खूबी है कि जिसकी वजह से ये लोग बचे हुए हैं, और वो खूबी ये है कि दुनिया के कहीं से मुल्क के अंदर जब भी कोई तकलीफ आती है, धरती कंप आया, अर्थक्वेक हो गया, मकान टूट गए, लोग बेघर हो गए, भूखे मर गए, तो ये लोग उधर डॉक्टर भेजेंगे, दवाइयां भेजेंगे, खाना भेजेंगे, ब्लैंकेट भेजेंगे, उनकी मदद करते हैं। इथियोपिया के अंदर जब ये भूख मरा हुआ तो 6 बरस तक यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज ने उनको पाला। ये खूबियां इस मुल्क के अंदर हैं। इन मुल्कों के अंदर इबादत वाले लोग भी हैं, इस्माइलियों में भी हैं, क्रिश्चियनों में भी हैं, यहूदियों में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, खुदा के बंदे सब जगह है। खुदा खाली हमारा ही नहीं है, काफर का भी खुदा है। एक काफर है जो ये कहता है कि खुदा है ही नहीं,
वो भले न माने खुदा को, लेकिन खुदा ने उसको पैदा किया है, खुदा क्रिएटर है। तो खुदा की रहमतें एक क्रिएटर के तौर के ऊपर, काफर के ऊपर भी उतरती हैं, मगर उसका ताल्लुक खुदा के साथ, संबंध, कॉन्टेक्ट नहीं है, इसके लिए उसको दुख ज्यादा मिलते हैं। अगर एक आदमी यह कहे कि खुदा है, यानी खुदा के उस ऊपर उसका ईमान है, मगर वो अपने ईमान को प्रैक्टिस में नहीं डालता, तो उसमें और काफर में कोई ज्यादा फर्क नहीं। एक आदमी खुदा को मानता है, ही इज अ बिलीवर, बट ही डज नॉट प्रैक्टिस व्हाट ही इज टोल्ड, सो देयर इजंट मच डिफरेंस बिटवीन ए बिलीवर एंड ए नॉन बिलीवर। बिलीव करना मुंह से, मगर अमल करना काफरों के, ये तो और भी बुरी बात हो गई। ये डिसीट है, ये गड़बड़ है, ये फितना है, ये धोखाबाजी है कि मुंह से कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और काम हो गए काफरों जैसे। खुदा को ये चीज पसंद नहीं। यही चीज भी रसूल कबीर दीन हमको समझाना चाहते हैं कि कलयुग के अंदर ये जो कूड, कपट और छल है, ये चीजें बहुत प्रिवेल करेंगी। इनसे बचो, और इनसे बचने के लिए क्या है कि या मौला सत्य से थी पार उतारो, मेरा ईमान सलामत रहे, ईमान के साथ मैं इस दुनिया में से जाऊं। ईमान मजबूत रहना चाहिए, ईमान सलामत रहना चाहिए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह आजाद 1948 के अंदर नैरोबी आए, रात का समय था, तो रात को मौला मेहमानियां कबूल करने के लिए जो नैरोबी का दरखाना जमात खाना है गवर्नमेंट रोड पे, यहां साहब आए। एक बहुत बड़ा अच्छा इबादत वाला आदमी था, काउंट राजन लाल जी, उस जमाने में वो काउंट नहीं बने थे। तो मौला को कहते, उसकी ने मेहमानी रखी, तो कहते खुदा मुझे एक बात पूछनी है। राजनलाल जी तुम्हें बात पूछनी है, पूछो। तो हाथ बांध के कहते खुदावन मैंने देखा है कि बहुत दफा मोमन के बच्चे काफर हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं। बोला ना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, देखो राजनलाल जी, जो मोमन होता है वो अक्सर यानी ज्यादा करके, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ्टन, वो अपने ही ईमान की सलामती मांगता रहता है, मगर वो कभी कभी अपनी औलाद की सलामती मांगता है। देखो ईमान सलामत रखने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि तुम ईमान की सलामती की दुआ मांगते रहो रोज, अपने लिए भी अपनी औलाद के लिए भी। ईमान की सलामती की दुआ मांगते रहो राजनलाल जी, औलाद की सलामती ईमान की भी मांगते रहो, तो इंशाल्लाह उसका फायदा होगा। वापस सब बोलते हैं कि ईमान की सलामती क्या और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि तुम ईमान की सलामती की दुआ मांगते रहो, क्योंकि कब इंसान का ईमान बिगड़ जाएगा, कब वो बेईमान हो जाएगा, इंसान की इतनी ताकत नहीं है कि वो शैतान के सामने लड़ सके। इसलिए मौला की मदद चाहना, जरूर चाहना, और उसके लिए दुआ मांगते रहो। हमारे पीरों ने भी हमको ऐसा ही सिखाया, है जी हमारो ईमान साबित रख जो, हम लोग पढ़ते हैं सलामत रख जो, एक जगह साबित लिखा हुआ है, एक जगह सलामत लिखा हुआ है। साबित का मतलब हुआ कंप्लीट, टूटे बगैर, लंगड़ा लूला नहीं, कंप्लीट होवे, उसको साबित रखो, क्योंकि ईमान अधूरा होवे, आधा होवे, लंगड़ा ईमान भी होता है, अंधा ईमान भी होता है, बहरा ईमान भी होता है। इंसान के अंदर जो खराबियां वो ईमान के ऊपर लगती हैं। हमारो ईमान साबित राख जो, जैसी उतरिए पहले पार, बीजों एटलों में मांगिए, वारंवार होवे तुम्हारो सत्य गुरे।
500 वर्ष पहले ये गिनान और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान, आज भी हमको हजरत इमाम यही कहते हैं अपने दीन पे मुस्तकीम रहो। मुस्तकीम के अंदर का मतलब ये होता है कि डटे रहो, मजबूत रहो। ईमान की सलामती बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ईमान सच्चा होगा और अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो कभी कभी ऑयली फर्श हो आदमी फिसल जाता है। किसी बनाना के छिलके के ऊपर पांव आता है तो आदमी गिर पड़ता है। ऐसा इंसान की लाइफ में होता रहता है। लेकिन अगर ईमान सलामत होगा तो वापस मौला हाथ पकड़ के खड़ा कर देगा। तो मैं आपको अर्ज करता था, आज की इस दुनिया जो मैं गए लगभग 60 बरस से, मुझे बहुत सी चीजें याद आई इस दुनिया के अंदर, कितने फेरफार हो गए। ये बड़े बुजुर्गों के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कितने हेर फेर इस दुनिया के अंदर देखे हैं, कितना फर्क पड़ गया। ये फर्क स्टॉप नहीं होगा। आने वाले 100 और 125 ईयर्स दुनिया की खराबियां बढ़ती जाएंगी, चिंता बढ़ेगी, फिक्र बढ़ जाएगी, वरीज बढ़ जाएंगी, टेंशन बढ़ जाएगी, इरिटेशन बढ़ जाएगी, इंसान धोखा फरेब बढ़ जाएगा। तमाम किस्म की जितनी भी बैड चीजें हैं, जिसको हम इंग्लिश में इविल्स कहते हैं, वो बढ़ती जाएंगी। इनके अंदर सलामती का एक ही रास्ता है और वह हज़रत इमाम की प्रोटेक्शन है। ऐसा समझ लो कि चारों तरफ आग लगी हुई है, गुनाह भरा हुआ है, गुनाह आग है, हम इस आग के अंदर बैठे हैं। आग दूर है लेकिन हमको आग का सेक लगता है, उसकी जो हीट है वो हमको डिस्टर्ब करती है। अब इसके अंदर हमारे ऊपर या तो बारिश पड़े तो ये आग की हीट हमको ना लगे, ये गुनाह की हीट ना लगे। बारिश क्या है? मौला की रहमत है, ये बारिश है और मौला की प्रोटेक्शन है, वो छतरी है कि हम आग से बच सकें, हीट से बच सकें। हवा भी बहुत गर्म होती है। इन तमाम चीजों से मतलब पीरों का ये है कि शैतान का जोर बढ़ेगा, गुनाह बढ़ेंगे। मैं गए 3 दिन से वाजी कर रहा हूं। मैंने यहां वेस्ट में परसों वाज की थी। इस वाज के अंदर मैंने लगभग ऐसी ही बातें की थी, जुदे तरीके से की थी। हमारी जमात को ये भूल नहीं जाना चाहिए कि हम इस्माइली हैं। हमारी जमात को ये भूल नहीं जाना चाहिए कि हम हजरत इमाम के मुरीद हैं। हमें ये भूल नहीं जाना चाहिए कि हमको हजरत इमाम ने मेहरबानी करके हमको अपनी मुरीदी में अपने रूहानी बच्चों के तौर पे कबूल किया। हमने हजरत इमाम की बायत की, हमने हजरत इमाम के साथ प्रॉमिस किया। अब हमको प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। वो खराबियां वो बदियां, मैंने आपको आग की बात की है ना। मुझे मालूम नहीं आप में से कौन परसों मेरी वाइज में थे। मैंने आग की बात की है तो आग की बात में ये है कि बहुत सी बदियां बुराइयां जो दूसरों में हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे में आवे। तो मैं तो पहला आदमी हूं एक मिशनरी के तौर पर कि जो मैं जमात को कहूं। मैं कभी कभी बहुत प्लेन सीधी सादी बातें इसलिए कर देता हूं कि लोगों को समझने के अंदर तकलीफ न होवे। बहुत से लोग मेरी टीका भी करते हैं कि अबू अली बहुत बोलता है, लेकिन दिन दारो मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। आज हमारी जमात में, मैं यहां की बात नहीं करता, मैं जनरल जमात की बात करता हूं, अमेरिका और कैनेडा में, अमेरिका में 34,000 और कनाडा के अंदर 47,000 आज हम इस्माइली हैं। 81,000 इस्माइली नॉर्थ अमेरिका में हैं और हर रोज 50 आदमी हमारी जमात में बढ़ रहे हैं। डेली एवरी डे 59 आदमी एवरेज आते हैं, 1500 के करीब हर महीने। और लगभग जो हर महीने 1500 आते हों तो एक बरस के अंदर दीनदारों 18,000 आदमी होते हैं, बढ़ते जाते हैं 5-7 बरस के अंदर। बल्कि इसके पहले 1,00,000 आदमी से ज्यादा हमारी जमात इधर हो जाएगी। लेकिन साथ साथ मैं देख रहा हूं, मैं घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं, हमारी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो टूट रहा है। मियां बीवी
सास ससुर माँ बाप भाई भाई, ये जो स्ट्रक्चर है ये टूट रहा है। कनाडा के लॉ के अंदर ये लॉ में है, वो लॉ हमारे इस्लाम की नजर में खराब है, लेकिन कंट्री का लॉ है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और वो ये है कि बहुत से लड़के लड़कियां शादी किए बगैर, निकाह किए बगैर वो शादी करते नहीं, मगर बच्चे पैदा करते हैं, जिसको यहां के भाषा के अंदर कॉमन लॉ मैरिज कहते हैं। ये हमारे मजहब में हराम है, फॉरबिडन है, इससे हाइनस सिन, ये अजीम गुनाह है, खुदा ताला इससे बड़ा नाराज होता है। हमारी कौम में ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक तो हम मुसलमान हैं और फिर मुसलमान के अंदर हम इस्माइली मुसलमान हैं, यह चीज हमको छाजती नहीं। हमारे यंगस्टर्स के अंदर जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप और प्रोमिस्किटी हो जाती है वो हमारे मजहब में हराम है। अपने आप को सुधारो। हम इस मुल्क के अंदर ये क्रिश्चियनों और जो आदमी मजहब के ऊपर नहीं, ऐसे बहुत से एथिस्ट है इधर कनाडा में अमेरिका में बहुत है, हम इस मुल्क में इन लोगों की कॉपी करने नहीं आए, ये वाइट लोगों की कॉपी करने हम इस मुल्क में नहीं आए। इस मुल्क के अंदर हम आए हैं एक मकसद लेके आए हैं, वो मकसद हज़रत इमाम बेहतर जानता है। उसने हमारे लिए इन मुल्कों के दरवाजे खोल दिए, उसमें भेद है। एक भेद तो ये है कि हमारी जो दुनिया की लाइफ है, यानी जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे मकान, हमारा घर बार, हमारा खाना पीना, मौला ने हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से निकाल के, अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, वहां हालतें बहुत खराब हैं, वहां हमारे बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि उनकी जो रूफ है ऊंचे उड़ने की वो नीची है, चांसेस बहुत कम है। तो इमाम ने एक ये मकसद रखा कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होने से हमारे ब्रेन के ऊपर मेंटल कंडीशन और हमारे बदन की जो फिजिकल कंडीशन है वो हमारे लिए अच्छी होती है। एक आदमी जो दुख में पड़ा है, भूखा है, तकलीफ में है, ठंडी में मरता है, ब्लैंकेट नहीं, उस आदमी की जो मेंटल और नर्वस कंडीशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। क्यों? कि उसकी फिजिकल कंडीशन इतनी खराब है कि माइंड को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं अभी कुछ 3 महीने पहले इंडिया पाकिस्तान का सफर करके आया हूं। मैं 11 बरस के बाद इंडिया पाकिस्तान गया। बाज ऐसी जगहों के ऊपर क्या कहूं, मगर जरूर कहता हूं ताकि आप लोगों को पता लगे, मेरी फीलिंग्स शायद आप फील नहीं कर सकोगे लेकिन कुछ ना कुछ तो समझ सकोगे। इंडिया के अंदर एक जगह, वहां से 8 माइल पे एक छोटा सा गांव है। मेरे साथ वेलफेयर का काम करने वाली एक भाई अपनी, यानी अच्छा काम करती थी, वेलफेयर वॉलंटियर, वो मुझे उधर ले गई। जब उसने मेरे से बात की कि यहां 7-8 माइल पे एक छोटे गांव में थोड़े से इस्माइली हैं लेकिन वो सख्त गरीब हैं, जमात खाने भी नहीं आते, मैं जब ही देखने के लिए गया तो मैंने मुंह फिरा लिया, मेरा दिल भरा। उन्होंने ये गनी बैग जो होती हैं, गनी बैग्स के कपड़े बांधे हुए हैं, औरतें बाहर नहीं आती, दरवाजे के पीछे छुप के बातें करती हैं क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं है बाहर निकले, उनके पास कपड़े नहीं है कि पहन के बाहर जाके मजूरी करे, उनके पास कपड़े नहीं है कि वो जमा खाने जा सके, और वो हमारे भाई हैं। उनकी ये कंडीशन भले उनके आमाल और कर्म का नतीजा है लेकिन हमारा ये फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कुछ नई स्कीम बनाई गई, उनकी मदद हो रही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आज ये हालत है, आप काठियावाड़ जाओ तो आपको यहां की और वहां की लाइफ का फर्क पता लगे। इस दफा नहीं लेकिन आज से 10-12 साल पहले मैं अहमदाबाद गया।
अहमदाबाद के अंदर ये बनानास छोटी साइज के होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, उनका टेस्ट और खुशबू बहुत होती है। मैं बहुत बरसों के बाद गुजर गया तो ऐसा ही मैं घूम रहा था, मैंने बनानास लिए, दो आने के एक दर्जन मिले, 12 सस्ते थे बहुत। मैंने एक जगह में खड़ा हो गया रस्ते में मैंने एक बनाना खाना शुरू किया, माला का शुक्राना अदा कर रहा था, फिर मैं चलने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे पीछे कोई फॉलो करता है, मैंने घूम के देखा तो 8-8, 10-10 बरस के दो लड़के आधे नंगे, चड्डी भी फटी हुई और ऊपर का जिस्म नंगा, शर्ट नहीं थी। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने ऐसा मुंह बनाया भीख मांगने के लिए, ऐसा हाथ फैलाया, मैंने ये दोनों बनाने उनको दे दिए। लेकिन हुआ क्या, काय को मैंने दिया कि जब मैंने ये छिलका फेंका तो इसी दो लड़कों ने वो इसका जो ऊपर का जो छिलका था वो आधा आधा खींच के छिलका खाया। काठियावाड़ के अंदर बहुत जगह आज ये हालत है कि गाय का जो गोबर होता है, डंग ऑफ द काऊ, उसके अंदर ये लोग हाथ डाल के अनडाइजेस्टेड कोई क्रेन मिलता है ना, उसको निकाल चुन चुन के इकट्ठे करते हैं, पानी से धो के खा जाते हैं। ऐसी कंडीशन है। अफ्रीका इतना खराब नहीं है लेकिन फिर भी हमको, हमारे इमाम ने हमारे ऊपर रहम करके, दया करके, फ्यूचर का ख्याल करके मौला ने हमको उधर से निकाला। यूरोप भेजे वो ठीक नहीं था, एक तो यूरोप की बस्ती बहुत बड़ी है, दूसरा यूरोप का इमीडिएट फ्यूचर, मेरा कहना इमीडिएट फ्यूचर से 10-20 बरस नहीं, कंपैरेटिवली इमीडिएट फ्यूचर यूरोप का अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैनेडा वॉज बेस्ट, तो इमाम ने कैनेडा को पसंद किया। हमारे साउथ में जो मुल्क है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, सारी दुनिया का सबसे मालदार, सबसे स्ट्रांग मुल्क है मॉनेटरीली, मिलिटरीली और टेक्नोलॉजिकली, लेकिन इसका भी एंड नजदीक है। दुनिया में इतने उथल पाथल होने वाले हैं नेक्स्ट 50-100 ईयर्स कि आज उसका इमेजिनेशन नहीं कर सकोगे। तो मोमिनो, हमको इमाम ने उधर से उठा के इधर डाला, एक तो ये कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए, अच्छी हो जाए, दूसरा ये हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, तीसरा ये कि फ्यूचर हमारा यहाँ सिक्योर्ड हो जाए और हम अच्छी तरह से दो पैसे भी कमा सके। देखो इधर आके हमारी गरीबी तो धुल गई, वो लोग के जो अफ्रीका के अंदर कभी जिंदगी में, तो ठीक उनके बाप दादाओं ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे खीसे के अंदर 1-2 लाख शिलिंग आएंगे, आज उनके पास 1-2 लाख डॉलर है। तंजानिया जैसे मुल्क के अंदर 300 शिलिंग $1 में है, अगर हम उधर बैठे रहते तो क्या कमाते, $1 में, कैनेडियन डॉलर में 320 शिलिंग है, अमेरिकन डॉलर के 400-450 शिलिंग $1 में, इंडिया जाओ तो 20 शिलिंग रुपए $1 में है और पाकिस्तान जाओ तो 23-24 रुपए $1 में है। मौला ने हमको कैसा उधर से उठा के हमको मखमल के गदेले पे बिठाया, मखमल यानी वेलवेट। मौला ने और भी हम पे ऊपर रहम यह किया, इधर आके हम वेल ऑर्गेनाइज हो सकें और फ्यूचर के अंदर नई एजुकेशन लेके हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसी अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ में आ जावे कि दुनिया के अंदर इस्माइली कौम का कुछ इन्फ्लुएंस पैदा हो सके, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होवे और एजुकेशनल इन्फ्लुएंस भी हमारा बढ़ सके, जो आज नहीं होगा मगर 10-20 बरस लगेंगे। इमाम के और भी विजन है, मैं सब बातें आपके सामने खोल के कर नहीं सकता, लेकिन इमाम ने बहुत बड़ी रहमत कर दी, हमको यहां बसाया है। इसलिए नहीं बसाया कि अदर के दूसरे लोगों की बदियां बुराइयां हम एडॉप्ट करें। 10 बरस के लड़के को एक बाप दमदाती दे रहा था, मैं टोरंटो की बात करता हूं और मैं घर में बैठा हुआ था, 10 बरस का लड़का, लड़का कहता है डैड डोंट बी फूल आई विल कॉल पुलिस। वो पुलिस दमदाती देता है बाप को लेकिन मैं ठंडा हो गया। 10 बरस का लड़का
बाप को कहता है तो कि तुम मूर्ख मत बनो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आज हमारी यह कंडीशन, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे मजहब ने, कुरान ने, हदीस ने जिनानों फरमानों के अंदर हमको ये सिखाया है कि तुम्हारे से जो बड़ा भाई है ना उसकी बाप जैसी इज्जत करो और बाप को सेकंड टू गॉड मानो। दादे परदादे को बहुत प्यार से और अच्छी तरह से हैंडल करो, बुजुर्गों की इज्जत करो। मामा चाचा ताया तुम्हारे कोई बड़े रिलेटिव हैं उनको सलाम करो, एक दूसरे की मदद करो, माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो, दादा दादी नाना नानी इनसे प्यार करो, इनकी मदद करो, इनसे अच्छी तरह प्यार से हैंडल करो। उसकी जगह आज हमारी जमात के अंदर ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, इसके अंदर किसका कसूर है मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता, अपना अपना कसूर खुद समझ लो, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आरिसा दिखाना चाहता हूँ कि इसमें अपना मुंह देखो। इस्माइली मजहब जो है वो दुनिया का बेस्ट मजहब है, इस्लाम दीन बेस्ट दीन है और उसमें इस्माइली मजहब खूबी के लायक है। इमाम सुल्तान ने नक्शा फरमाते हैं, आज वाइफ हस्बैंड लड़ते हैं, हमारी मैरिटल लाइफ खराब हो रही है। सास ससुर तो पहले से हमको बुरे लगते थे मगर यहां तो कोई रहता ही नहीं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न इस बात के लिए है कि हम इस्माइली हमारी असल प्रणाली का ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, फैमिली में प्रेम मोहब्बत इत्तेफाक, एक दूसरे के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएं, एक दूसरे के लिए भूखे रहना हम तैयार होंगे राजी खुशी से, एक दूसरे की मदद करें, ये हेत प्रेत यहां अभी घटता जाता है। हमको गैरों की असर आ रही है और हमारा जो असल प्रणाली का है जिसको हजरत इमाम बार बार कहते हैं कि अपनी ट्रेडिशन मत छोड़ो, ये ट्रेडिशन खाली दुआ कराना और जमात खाने आने की मजहब की ट्रेडिशन ही नहीं, हमारी फैमिली की ट्रेडिशन, हमारे कल्चर की ट्रेडिशन जो है कि जिसके अंदर हम प्रेम मोहब्बत से रहें, भाई का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, माँ बाप का प्रेम, बच्चों का प्रेम, मोहब्बतें किधर गई, ये दुश्मनियां क्यों आ गई। मां और बाप दोनों को इधर आके काम करना पड़ता है, बच्चे रखड़ जाते हैं क्योंकि दोनों मां बाप काम करते हैं, घर में बच्चे अकेले होते हैं, अब बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं रहता। मां बाप होते हुए भी हमारे बहुत से बच्चे बहुत से घरों के अंदर यतीम की जिंदगी गुजारते हैं, दे लुक लाइक ऑर्फन्स, और इसलिए बच्चे जो होते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, वो अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट होते हैं, और या माँ बाप यूं ही है मिट्टी उतारने के लिए कहे जा तू दोस्त के घर जा तू खेल के आ, माँ बाप अपनी ड्यूटी इधर आके भूल गए हैं। मेजॉरिटी हमारी इस्माइली भाई बहन इधर इन दो मुल्कों में आके ये भूल गए हैं कि हम माँ बाप हैं और हमारा औलाद की तरफ क्या फर्ज है, अपनी मौज शौक के अंदर पड़ गए और औलाद को हमने निग्लेक्ट कर दिया, और वो जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन औलाद में हो रहा है दिनदारों, ये सब कलयुग की हवाएं हैं। और भी कई खराबियां हैं, हमारे डिवोर्सिस केस बहुत हैं, बैक होम अफ्रीका इंडिया पाकिस्तान के अंदर डिवोर्स तो कभी कभी होता था और यहां डिवोर्स बहुत होते हैं, और तो ये समझती हैं कि इधर आके हम कमा रही हैं, हम किसी से कम नहीं, मर्द ये समझते हैं कि औरत हाथ से निकल गई, बाप का कोई नहीं, मां का कोई नहीं, ये चीजें अच्छी नहीं मेरे भाई बहनों। मैं आपको इस बात के लिए जगाना चाहता हूं कि हम आजू बाजू के जो लोग हैं हमारे, ये कैनेडियन और अमेरिकन का कल्चर हमें नहीं लेना, हम इस मुल्क के अंदर एक मकसद लेके आए हैं कि इधर स्ट्रांग जमात पैदा हो गए और फ्यूचर के अंदर हमारी जमात का इन्फ्लुएंस हो सके, ताकि ये इन्फ्लुएंस और इधर का कमाया हुआ हमारा पैसा, इधर की सीखी हुई हमारी नॉलेज और एजुकेशन, वो लोग के जो आज बहुत ज्यादा खराब हालत में है इंडिया में, पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में, हम उनको मदद रूप बन सकें, और ये ख्याल करके इमाम ने हमको यहां भेजा है, इधर आके यहां की खराबियां मत लो। हमारे बहुत से यंगस्टर्स हैं कि जो सुअर का गोश्त खाते हैं, बहुत से
बहुत से ऐसे भाई बहन के जो यंग नहीं है लेकिन फिर भी उनके सामने आ जाता है, वो खा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहीं रेस्टोरेंट में किधर भी जाओ, अगर आपको पहचान नहीं है, सुअर का जो गोश्त है ना वो बहुत लाल रंग का होता है, बहुत लाल रंग का, हालांकि लाल रंग का बीफ भी होता है, लेकिन अगर आप दोनों को देख के अभी तलाश करना चाहो तो आपको पता लगेगा कि बीफ का जो कलर है वो जरा डार्किश लाल होता है और जो डुकर का गोश्त है वो ब्राइट रेड होता है। फिर भी अगर हमको शक हो गए तो हम वेटर को पूछ सकते हैं और अपनी डिशें सिलेक्ट करते वक्त भी देख लो। सुअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। बहुत दफा ब्रेड के अंदर लार्ड यूज करते हैं तो ब्रेड के वो इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो पढ़ के लो। कोई भी चीज खाने पीने की आप लेते हो, पढ़ लो कि इसके अंदर लार्ड। डबलिन के अंदर एक इस्माइली की पिगरी थी, अभी उसने बेच डाली। मैं 8-10 साल पहले इंग्लैंड गया तो मैं डबलिन भी गया और मुझे पता था वो मुंबासा के आदमी, उन्होंने एक पिगरी रखी हुई थी। पिगरी यानी जहां पिग्स को रेज करते हैं, जिस तरह मुर्गियों को रेज करते हैं, हेन फार्म होता है ना, चिकन फार्म, गायों को रेज करते हैं, ये लोग पिग्स को उधर रेज करते थे और फिर उनका गोश्त वगैरह वो एक्सपोर्ट करते थे। उनके साथ एक कैथोलिक मिशनरी जैसा आदमी भी था। तो मैं उधर राज करने के लिए गया तो मुझे पता लगा, मैंने पूछा क्या करते थे, बोले हमारे पास पिगरी है। तो मैंने कहा मुझे देखनी है। तो मुखिया ने कहती है, मिशनरी सर आप वो पिगरी देखोगे? हाँ, मैं बोला मुझे देखनी है, मेरा काम तो नॉलेज हासिल करना है ताकि मैं देख सकूं क्या बात है, खुदा ने क्यों उसको हराम किया है। बोलते उधर भाष बहुत आएगी। मैं बोला चलो कुछ बंदोबस्त करें। तो हम कुछ गैस मास्क जैसी चीज पहन के अंदर अतर बतर रखा हम लोग गए। बोला खुदा की कसम उनकी हालत देख के मुझको ऐसा हुआ कि खुदा ने सच कहा है, दुनिया में इतना गंदा जानवर और कोई नहीं। ये जो मादा पिग होती है जिसको सो कहते हैं इंग्लिश के अंदर, 26 से 27 बच्चे एट ए टाइम देती है और जब इसके बच्चे होने वाले होते हैं तो इसके दोनों आगे के और पीछे के जो चार पांव है ना वो बांध देते हैं। ये उठ नहीं सकती, पड़ी रहती है, ये पड़ी रहती है, हिल भी नहीं सकती। कभी कभी ऐसा है कि इसका पासा बदलाती है तो क्या होता है, इसका गुमूत निकलता रहता है। इसी के अंदर इसके बच्चे और खुद पड़े रहते हैं 24 आवर्स फॉर वीक्स एंड वीक्स, जब तक कि वो बच्चे इस लायक नहीं होते कि दूध छोड़ के बाहर आ जावे, तब तक इसकी ये हालत रहती है। मैं खाली आपको जबान से कह रहा हूं लेकिन जो मैं फील कर रहा था वो आप फील नहीं कर सकोगे मेरे सुनने से कहने से। गंदा जानवर, सख्त गंदा। साइंटिस्ट ये कहते हैं, आप कभी इसकी रिपोर्ट पढ़ो कि जो एक दफा यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली थी, WHO ने, कि आप अगर इसको बॉयल भी करो ना 1 घंटे तक, फिर भी अमुक ऐसा बेसिली है, ऐसा बैक्टीरिया है इसके स्किन के अंदर, तब भी वो मरता नहीं, बेहोश हो जाता है और फिर पकाने के अंदर वो जीता रहता है, वो पेट में जाता है, बहुत सी किस्म की बीमारियां पैदा करता है। लेकिन एक खास बात जो डुकर के गोश्त के अंदर है जो दूसरे किसी जानवर के गोश्त में नहीं, और वो ये है कि इंसान की जो सेक्सुअल लाइफ है वो खराब हो जाती, उसकी नजर खराब हो जाती, औरत की भी मर्द की भी, वो गुनाह में पड़ जाते हैं। और भी इसके अंदर ऐसे और भी फैक्टर्स है कि जो मैं जमात खाने में कह नहीं सकता हुआ इसमें, लेकिन हकीकत यह है कि सुअर का गोश्त खाने वालों का जो सेक्सुअल साइड है वो बहुत खराब होती है, उनकी नजर बद रहती है, उनके ख्यालात में भी बदियां रहती हैं। अल्लाह ने इसको हराम किया है, उसका कुछ मकसद है, हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हम मोमन हैं, हम इस्माइली मुसलमान हैं, हजरत इमाम के मुरीद हैं, हमारे बाप दादाओं की जो अच्छाइयां थी, हमारे कल्चर के अंदर जो ब्यूटी है, हमारे मजहब के अंदर जो खूबसूरती और अच्छाइयां हैं, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। इनका आकर्षण जिसको इंग्लिश में हम टेम्पटेशन कहते हैं, वो हमको इतना ज्यादा आ जावे
कि हमारे बहुत से भाई बहन, अरे मुझे शर्म आती है ये कहने के लिए कि हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन्स, मैं आपकी लोकल बात नहीं करता, मैं जनरल बात करता हूँ सारे नॉर्थ अमेरिका की, ये सिटीजन सीनियर सिटीजन के जिनका एक पांव कब्र में पड़ गया है, बल्कि कईयों के तो दोनों पांव कब्र में है, किनारे पे बैठे हुए हैं, वो भी शाम के वक्त टीवी की पिक्चरें देखेंगे मगर जमात खाने नहीं आएंगे, टीवी चल रही है, हाथ में तस्बीह है, दुआ पढ़ रहे हैं, अभी धूल दुआ पढ़ेंगे इस तरह से कि उधर वो नाचने वाली नाच रही है और हाथ में तस्बीह याली याली कर रहे हैं और आंखें उधर हैं, अभी ये क्या दुआ पढ़ी जा सकती है। इस किस्म की बहुत सी खराबियां हमारे समूह के अंदर, हमारी इस जमात के अंदर घुस गई हैं। शाम के वक्त अगर सीनियर सिटीजन भी ऐसे हो जाए, अगर माता पिता भी ऐसे हो जाए, तो इन कौले बच्चों का क्या कसूर जो माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी को देख के वो ऐसा कहेंगे। हमारे ऐसे और भी बहुत से भाई हैं, 6 बजे आए, मैं अभी थक गया हूं, टीवी खोली, खाना पीना खाते रहे, जमात खाने नहीं गए, ऐसी बहुत सी बदियां बुराइयां आ गए। और इस तरह से हमारे टीवी के प्रोग्राम, जिसको आमतौर पे टीबी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिस तरह लग जाता है फिर निकलता नहीं, टीवी की बीमारी ऐसी है। मैं आपको मना नहीं करता, बाज चैनल अच्छी हैं, बाज प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप जमात खाना छोड़ के, आप अपनी दुआ छोड़ के, आप अपनी ड्यूटी छोड़ के अगर दुनिया की बुराइयों की तरफ जाएंगे तो आपकी औलाद खराब हो जाएगी। धनी धनियानी का जो वाइफ हस्बैंड का जो संबंध है वो हमारे रूहानी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर बहुत बैड असर करता है। अगर वाइफ हस्बैंड का जो रियल संबंध है वो सच्चा है तो मैं आप जमात खाने में हजर इमाम के सामने खड़ा आपको कहता हूं कि वाइफ हस्बैंड का संबंध अगर प्योर है, लवेबल है, क्लीन है, अच्छा है, तो ये चीज आपको सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत में बहुत काम आएगी। वाइफ हस्बैंड का जो प्यार है, ऐसा प्यार दुनिया में कहीं और नहीं है। इसके अंदर प्योरिटी चाहिए, पाकीज़गी चाहिए, पवित्रता ही चाहिए, कैरेक्टर पाक चाहिए, प्रेम और मोहब्बत घर में दाखिल होवे, वहां बरकत भी होती है, तंदुरुस्ती भी रहती है, खुदा की रहमतें उतरती हैं, फरिश्ते आते हैं उस घर में, कि जिस घर के अंदर मोहब्बत रहती है, जिस घर में सुबह उठते ही कजिया कंकास हुआ, ऊंची आवाजें चली, गाली गलौज निकले और नौबत आकर फिर पहुंच गई कोर्ट तक, उस घर के अंदर बरकत क्या होगी, शांति क्या होगी। अपनी फैमिली लाइफ बनाओ, सहनशीलता रखो। मैं ऐसे बहुत से किस्से जानता हूं, एक लड़की ने शादी की, शादी कर दी एक्चुअली उसके माँ बाप ने, 25-26 बरस की लड़की हो गई तो उन्होंने शादी कर दी, पता लगा कि जो दूल्हा है वो जरा मेंटली रिटार्ड है, शाबाश है उस लड़की को, आज भी जीती है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा उसके ऊपर बहुत राजी होवे, अपनी रहमतें देवे। उसको कई सहेलियों ने ये कहा कि तू डिवोर्स दे दे, वो कहने लगी मेरी किस्मत में ऐसा था, मेरे मौला ने दिया, दिनदारों 26 बरस की उम्र से लेके आज वो 60 बरस की औरत हो गई है, अपने इस रिटायर्ड हस्बैंड को वो कमा के पालती रही और वो जिंदगी में कभी काम नहीं किया, घर पे ही मोस्टली बैठा गया, हालांकि माता पिता का वांक था इसके अंदर और वो कभी इसको छोड़ देती तो दीन की नजर में कुछ खराबी नहीं थी, मगर उस औरत को मेरा सलाम उस औरत को। उसने इस चीज को अपनी किस्मत समझ के, खुदा ताला की मशीयत और इरादा समझ के उसने कबूल कर लिया और जिंदगी भर उसके साथ रही, बच्चे भी हुए और उसको पालती रही, आज भी वो जीती है, हस्बैंड गुजर गया 2-3 साल पहले। आज जरा सी बात के ऊपर हमारे अंदर झगड़े होते हैं और मामूली झगड़ों के ऊपर हम लोग, फिर नौबत आ जाती है या काउंसिल में जाओ या कोर्ट में जाओ, ये चीजें रूहानी साइड के लिए बड़ी खराब हैं। एक दूसरे के दुख सहन कर लो, बर्दाश्त कर लो, एक दूसरे की दुख में मदद करो। पीर ने गिनान के अंदर औरत और मर्द के संबंध के ऊपर एक पाठ ब्यूटीफुल कहा है, मैं कभी कभी याद किया करता हूं। ये कहते हैं कि
पुरुष नारी नु एक ज धर्म है जी, पुरुष नारी नु एक धर्म राखो खमिया तो ना लागे करम जी, पुरुष नारी नु औरत और मर्द इन दोनों की ड्यूटी एक ही है, एक दूसरे के साथ जिंदा रहना, एक दूसरे के साथ जीवन गुजारना। राखो खमिया तो न लागे करम, अगर तुम एक दूसरे की भूल चूक बर्दाश्त कर लो, सहन कर लो, तोड़ने की बात नहीं सहन करने की बात है, तो फिर कहते हैं तुमको कर्म नहीं लगेगा, यानी दुख नहीं आएगा। मियां बीवी का ये जो सलूक है रूहानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अपने आप को नरम बनाओ, सहनशीलता वाले बनाओ, किसी की भूल को अपनी जिंदगी बिगाड़ने का जरिया मत बनाओ। अच्छे बनो, नेक बनो, साफ बनो, प्योर बनो। शराब, सिगरेट, ड्रग्स हमारी कौम के अंदर, तंबाकू घट गया है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट और आम पब्लिक जो है वो तंबाकू के पीछे खूब पड़े हुए हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर सिगरेट पीने की मनाही है। अल्हम्दुलिल्लाह स्मोकिंग हमारी जमात में घट गई है, लेकिन शराब और ड्रग बढ़ रहे हैं। ये बदियां बुराइयां बहुत खतरनाक हैं। शराब इतनी खतरनाक नहीं कि जितनी ड्रग्स खतरनाक हैं, और हमारी कम नसीबी है कि कुछ यंगस्टर्स और यंगस्टर्स भी कैसे, अरे तीन एजर भी पूरे नहीं हुए, 12-12 बरस के बच्चे अमुक जगहों के ऊपर ड्रग्स में पड़ गए हैं। इनको इधर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। इनका सारा गुनाह इनके माता पिता के ऊपर है। अपने बच्चों की तरफ अटेंशन पे करो, बच्चे को यह फील होवे कि मेरे माँ बाप मुझे चाहते हैं, बच्चे को यह फील होवे। अगर घर में माँ और बाप लड़ रहे हैं तो बच्चा मेंटली साइकोलॉजिकली इन दोनों में से एक को पसंद करेगा, दूसरे को हेट करेगा। एक कोई बाप को हेट करेगा, कोई माँ को हेट करेगा, क्योंकि माँ और बाप लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं। ये रोज रोज की किट किट हमारे बच्चों का जीवन बिगाड़ रही है, और इसके गुनहगार माँ बाप हैं। माँ को ऐसा होता है कि मैं किसी के हाथ के नीचे कैसे रहूं, बाप को ऐसा होता है कि ये मेरी औरत है, मुझको मेरी बात क्यों नहीं मानती। ये चीजें निकल जानी चाहिए, ये जाहिलों की बातें हैं। इलिटरेट जो होते हैं ये उन लोगों की चीजें हैं। हम पढ़े लिखे इस्माइली मजहब के अंदर आए हुए मौलाना हजर इमाम के हम चाहते बच्चे हैं, रूहानी बच्चे हैं। हमारे अंदर एक दूसरे की टॉलरेंस होनी चाहिए। एक कोई गुस्सा हो गया चुप रहो, जब वो ठंडा हो जावे तो आप उसको बोलो काहे को गुस्सा करना। अगर मेल मिलाप घर में रहेगा तो औलाद भी अच्छी रहेगी। औलाद की नजर में अपने आप को हल्का मत करो माता पिता के तौर पे। मैंने आपको अरज किया है, ये सच्ची बात है। हो सकता है कि जमात के अंदर कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा होवे, साइकियाट्रिस्ट हो, हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं। जब माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे बेचारे बोल नहीं सकते, लेकिन वो मेंटली किसी एक के पक्ष में हो जाते हैं। या वो माँ को प्यार करते हैं और बाप को हेट करते हैं, या बाप को प्यार करते हैं माँ को हेट करते हैं। ऐसी औरत कि जिसका मर्द घर में है, बच्चे 7-8 बरस के हो गए, अब ये औरत किसी गैर मर्द को अपने घर में बुला के उसके साथ प्यार करती हुए, और बच्चों को ये पता लगे कि मेरी जो माँ है उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, तो इन बच्चों का कैरेक्टर कैसा बनेगा। ऐसे किस्से भी हमारी जमात में हो रहे हैं कि हमारी औरतें अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरों के साथ प्यार करती हैं, और ऐसे तो बहुत मर्द हैं कि जो अपनी औरत को छोड़ के दूसरी औरत के साथ प्यार करते हैं। दीनदारों ये चीज मजहब में हराम है, इससे आपकी रोजी खराब होती है, आपकी औलाद खराब होती है, आपका आखिरत खराब होती है, आकबत खराब होती है, आत्मा खराब होती है। अब ऐसे कैरेक्टर वाले लोग बैतुल ख्याल के बोल ले लेते हैं, बड़ी बड़ी मंडलियों के मजलिसों के मेंबर बन जाते हैं, रोज जमात खाने भी आते हैं, तस्बीहां भी निकालते हैं, और कैरेक्टर उनका ऐसा है उनको मालूम नहीं कि वो अपनी और अपनी औलाद की कितनी बुराई कर रहे हैं।
ये बदियां बुराइयां हमारे एक जमात में नहीं होनी चाहिए। ये बदियां बुराइयां हमने आजू बाजू में से ले ली हैं, इसलिए ले ली है कि हम अपने मजहब के ऊपर पक्के नहीं हैं, इसलिए ले ली है कि हमने अपने मजहब को समझा नहीं और बाप दादा की प्रणाली का हमने छोड़ दी और यहाँ के लोगों की बहुत सी टेम्प्टेड होने वाली चीजों को हमने अपना लिया। ये जीवन हमारा नहीं है। अच्छे बनो, अपने इस्माइली मजहब के ऊपर पक्के रहो, इस्माइली मजहब की स्टडी करो। अरे कम से कम एक दफा दिन के अंदर 24 घंटे में माँ और बाप दोनों और सब बच्चे बैठ के एक जगह कम से कम वंस के दे, या लंच खाओ, ब्रेकफास्ट खाओ या डिनर खाओ, मगर एक वक्त सारी फैमिली घंटा दो घंटा साथ बैठो, अच्छी बातें करो, अपने बाप दादा की बातें सुनाओ, पुरानी इस्माइली इमामों के इतिहास की बातें करो, पीरों की बातें करो, अच्छे लोगों की बातें करो। लेकिन अगर फैमिली स्ट्रक्चर में ऐसा बैठ भी गए तो बाप कहता है वो फलाना है ना गुलाम हुसैन, वो मसाला बड़ा बदमाश आदमी है, तो अभी बच्चों ने ये नोट कर लिया मेंटली के बाप ने वो फलाने गुलाम हुसैन को, सॉरी मैंने आपका नाम किसी का अप्लाई ना हो जावे, तो बच्चे ने मेंटली नोट कर लिया कि मेरा बाप फलाने आदमी को हेट करता है, और ये आदमी कभी इस बच्चे को सामने मिलेगा तो बच्चे के दिल में वो हेट्रेड खड़ी होगी, खराब नजर से देखेगा। कभी उसका बच्चा इसको मिलेगा तो ये उसके साथ भी दुश्मनी रखेगा। इस तरह हमारी कौम के अंदर जो हसद का मादा है वो नहीं निकलता, उसका कारण ये है कि बाप अपना हसद जो उसने अपने बाप से सीखा है वो अपनी औलाद को सिखा रहा है। बंद करो इन चीजों को, औलाद के साथ बैठ के हमेशा अच्छी ही बातें करो, नेक बातें करो ताकि वो अच्छे बने, नेक बने, छोटी छोटी अच्छी उनको स्टोरी सुनाओ ताकि उनका कैरेक्टर बिल्ट अप होवे और उनके अंदर करेज पैदा होवे। ये झगड़े, ये खराबियां, ये बदमाशियां, ये गुनाह की हमारी लाइफ जो है, इनसे बाहर निकलो दीनदारों, तो ये कलयुग में से आप बाहर निकलोगे। जो पीर हसन कबीरुद्दीन दुआ मांगते हैं, या मौला ये कलयुग कूड़ कपट छल भरिया सत से थी पार उतारना, ईमान सलामत रख के हमको इसमें से बाहर निकालो। मौला आपके ऊपर खुशी रहे, आबाद रहे, आपको आबाद करे, आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, बदियों गुनाहों से बचावे, आफतें बलाएं मुश्किलें दफा दूर करे। मौला आपकी नेक की जो जिंदगी है उसको और उजागर करे, दस्तक सुकृत में पूरा रखे, ईमान सलामत रखे, ईमान ज्यादा करे, हकीकती समझ देवे, आपकी आल औलाद को दिनों दुनिया में सुखी आबाद करे, जान माल में बरकत देवे, आल औलाद में बरकत देवे, रोजी कमानी में बरकत देवे, नेकियां और इबादत बढ़ावे, बदियों से गुनाहों से शैतानी असर से बचा के रखे, जमातों में कुनबे में सुख शांति सलाह सब मोहब्बत हेत प्यार यूनिटी देवे। मौलाना हाजिर इमाम हमेशा आपके ऊपर अपनी छतर छाया रखे, ज़ाहिर बातिन दीदार नसीब करें।